जिन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं किया हमारे साथ, हमारी बेइज्जती की, हमें इस तरह से नीचा दिखाया। हम भी देखते कहां जाएंगे, लौट कर तो हमारे पास ही वापस आना होगा। आजकल मौसम ऐसा है कि जो चीज जाती है लौटकर वापस आ जाती है, जैसे तुम्हारे बुरे कर्मों का फल। ये लो। ओहो, आराम से देखो, इतनी अकड़ है कि कमर भी अकड़ गई। अब अकड़ेगी ही ना, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी है कहाँ? तभी तो तुम इतनी कमजोर, बेशरम और कैरेक्टरलेस हो। जबान खींच लेंगे हम तुम्हारी। जबान नहीं, शर्म के पर्दे खींचो। अब और क्या कहूं मैं तुम्हारे बारे में? वैसे तो बड़ी सती सावित्री बनी फिरती हो, पर मौका मिला नहीं कि अपनी इज्जत किसी आदमी को देने के लिए बेचैन हो गई। अब यही सब कहूंगी ना। यू नो व्हाट रानू, तुम्हारे चेहरे पर मैंने गुस्सा, जलन सब देखा, पर अच्छाई, लिहाज, शर्म बिल्कुल नहीं। शर्म का ना कोई पाउडर आता है, वो खरीद कर चेहरे पर मल लो। छोड़ेंगे नहीं हम तो। मैं हेल्प करती हूँ, ठीक है? अब मैं तुम्हारी तरह बेरहम तो हूं नहीं। ये लो, खुद लगा लेना। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं? चलो। ए, रुक जा। क्या लगा तुम्हें? जिया से शादी नहीं करनी थी इसलिए भाग गए? दोनों भाई एक जैसे ही हो। वो हमसे शादी करते वक्त भागे थे, भगोड़े, और एक तुम हो जो जिया से शादी नहीं करनी थी इसलिए भाग गए। क्या सोचा था तुमने, वापस आओगे और आके आराम से इस घर में रहोगे? नहीं, तुम नहीं रह सकते हमारे घर में, निकल जाओ यहाँ से। आकाश क्यों जाएगा? ये घर आकाश का है, वो इस घर का बेटा है, तुम्हें कोई हक नहीं है उसे कहीं भी भेजने का, समझी? रानो बिल्कुल ठीक कह रही है, पूरा हक है उसका, तुम पर और इस घर पे भी। आकाश, अर्जुन तुम? आकाश जाओ यहां से। भाई ये जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर आकाश, तू जानता है मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तू इस घर से जाए, पर तू रानो को भी जानता है, अगर उसकी बात नहीं मानी तो मां को परेशान करने के लिए कुछ भी करेगी, इसलिए अच्छा है कि हम इस वक्त रानो की बात माने। यहां से चले जा। भाई जरूर कुछ छुपा रहे, बाद में बात करता हूं भाई से। ठीक है भाई, अगर आप चाहते हो कि मैं ये घर छोड़कर चला जाऊं, मैं जा रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, देर से ही सही, कम से कम अर्जुन जी को अकल तो आई, उन्हें पता लग गया है कि हम अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम भी समझ जाओ, समझी? उन्हें तो पता लग गया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, सारी हदें पार कर सकते हैं हम। आज ये नौबत आ गई कि अपने भाई को घर से जाने के लिए कहना पड़ा, और कोई चारा नहीं था मेरे पास। रानो की हाँ में हाँ मिलानी पड़ी ताकि उसे शक ना हो, शायद तभी बाबा से जुड़ा ये राज हम जान पाएंगे, शायद तभी कोई सबूत मिल पाएगा हमें, और कोई चारा नहीं है जिया। Okay, अर्जुन प्लीज इतना गिल्टी फील मत करो, आकाश तुम्हारा भाई है और वो समझदार है, इसीलिए तुमने जो कहा उसने किया, एक भी सवाल नहीं पूछा। देखना जब उसे सच पता चलेगा ना तो वो जरूर समझेगा। पर अब पानी सर से ऊपर जा चुका है जिया, रानो की हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, तभी शायद हमें कुछ पता लग पाएगा, बस कहीं उसे शक ना हो जाए। अर्जुन मेरा दिल कह रहा है बहुत जल्द हमें सब कुछ पता चल जाएगा, और तुम प्लीज अपसेट मत होना, ओके? मैं हूं तुम्हारे साथ। अर्जुन अभी तक नहीं आया हमारे पास, बहुत चिंता हो रही है हमें।
उसके मन में तो सवालों की बौछार होगी। उसने इतने सालों में हमें इस तरह से नहीं देखा ना, मंगलसूत्र के साथ और हे माता रानी, कहीं वो परेशान होकर घर चला तो नहीं गया? अर्जुन, अर्जुन तो यहां पर भी नहीं है, कहीं वो परेशान होकर अपने आप को। ये सब बाबा के खिलौने हैं ना, मेरे जन्मदिन पर दिए थे, छोड़ के चले गए ना हमको, भूल गए ना मुझको। आज के बाद मैं भी उनको कभी याद नहीं करूंगा। जन्मदिन पर दी थी ना आप मुझको ये घड़ी, आज के बाद इसको भी नहीं पहनूंगा। ये मेरे बाबा की घड़ी है, पता जब भी इस घड़ी को देखता हूं तो वो पल याद आ जाता है जब बाबा हमें छोड़ के गए थे। माँ को रोते हुए देखता था मैं, छुप छुप के, बहुत गुस्सा आता था, पर फिर लगा कि शायद वक्त के साथ ये जख्म भर जाएगा। पर देखो ना जी, ये जख्म तो फिर से उभर आया, एक नासूर बनकर तकलीफ पहुंचाने के लिए। और उस जख्म के दर्द से हम अपने बच्चों को बचा ही नहीं पाए। कैसी माँ है हम, जाने अनजाने में हमने अपने ही बच्चों को बहुत चोट पहुंचाई। माँ, माँ, आपने चोट पहुंचाई, बहुत नाराज हूं मैं आपसे। पता है क्यों? क्योंकि आपने अपने बेटे को इस लायक नहीं समझा कि आपका दर्द बांट सके, कि मैं आपका दुख बांट सकूं। बचपन से लेकर आज तक आपने हमें समझा, आपको ये नहीं लगा कि आपका बेटा इतना बड़ा हो गया कि आपको समझ पाएगा। इतना कमजोर नहीं हूं मां, तुम तो हमारा गुरूर हो, हमारी ताकत हो तुम। ये छुप छुप के, ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, शादी का जोड़ा, सुहागन का जोड़ा, ये क्यों इतने साल छिपाती रही ये व्रत? मैं खुद नहीं पता था अर्जुन कि तुम्हारे बाबा कहाँ हैं। इतने सालों से वो हमारे साथ नहीं थे तो उसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उनकी लंबी उम्र की कामना ना करें। इसीलिए हम करवा चौथ, वट सावित्री, ये सारे व्रत रखते थे सिर्फ इस उम्मीद में कि तुम्हारे बाबा लौट कर आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। हमने सोचा था वो लौट कर आएंगे तो हम झगड़ेंगे उनसे, उनसे पूछेंगे उन्होंने ऐसा क्यों किया। हमारी सारी उम्मीदें ही रह गई, आज हमारे बाबा लौट कर ही नहीं आए। और जब हमने तुम्हारे बाबा के जिंदा होने की उम्मीद ही छोड़ दी, उन्होंने बताया कि वो जिंदा है। और ये भी बताया कि तुम्हारे पापा उसके उसके कब्जे में है। क्या बोल रही है अम्मा? रानू के कब्जे में बाबा जिंदा है? से 10 साल पहले रानू ने तुम्हारे बाबा को अगवा किया और
आज तक उन्हें बंदी बनाकर रखा है अपने पास। मतलब बाबा हमें छोड़ के नहीं गए थे? नहीं। और वो चिट्ठी हुआ? वो भी झूठी थी, रानू ने लिखी थी तुम्हारे बाबा के नाम से। हमें याद है वो जब हम मंदिर में थे ना, तो एक छोटी सी बच्ची आई थी वो चिट्ठी लेकर हमारे पास। ये सब झूठ है। तुम्हारे बाबा कभी हमसे दूर नहीं गए, रानू ने उन्हें दूर रखा हमसे इतने सालों तक। क्या कह रही है माँ? मतलब रानू ने ये सब हमारे खिलाफ इतनी नफरत भरी हुई है उसे, और हमने इतना प्यार दिया उसे, इस घर में जगह दी, और उसने नहीं। नहीं माँ, मुझे लग रहा है आपको गलतफहमी हुई है। हो सकता है रानू की ये चाल हो, आपको ब्लैकमेल करना चाह रही हो। नहीं नहीं अर्जुन, हम मानते हैं कि रानू झूठ बोलती है, वो हजारों झूठ बोलती है, लेकिन तुम्हारे बाबा के मामले में वो बिल्कुल सच बोल रही है। अर्जुन, उसने हमारी बात करवाई है बाबा से, तुम्हारे बाबा रानू के कब्जे में है अर्जुन। पर माँ, आप यकीन से कैसे कह सकती है कि वो आवाज बाबा की ही थी? वो अर्जुन के बाबा की ही आवाज, हम अपने पति की आवाज पहचानते। माँ मेरी बात सुनिए, रानू ना बहुत चातिर है, बहुत चला के कुछ भी कर सकती है, और टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है, हो सकता है उसने आवाज बदल के आपको सुनाई हो, आपको डराने के लिए किया हो ये सब। और अर्जुन, अगर ये डराना धमकाना सच हुआ तो हमारे पास रानू की बात मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हाँ अर्जुन, माँ सही कह रही है, हमें इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। अगर माँ को लगता है वो आवाज बाबा की है, तो आई एम श्योर वो बाबा की ही होगी। बाबा, वो मतलब बाबा हमें छोड़ के गए नहीं, वो हमें छोड़ना ही नहीं चाहते थे। हम ऐसे ही उन्हें इतना बुरा भला कहते थे, उनको दोष देते रहे, उनको भूलने की कोशिश करते रहे। आपने कितना कुछ सहा, अब एक पति होने के बावजूद भी आपको पति का प्यार नहीं मिला, हमें एक पिता का प्यार नहीं मिला। एक एक आंसू जो आपने बहाया है ना, उसका बदला लूंगा उस रानू से। हमारे परिवार को तोड़ दिया उसने, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन मां छोड़िए मुझे, उसे नहीं छोड़ूंगा मैं। अर्जुन, तुम हमारे परिवार को तोड़ दिया उसने। अर्जुन, नहीं पापा है उसके कब्जे में। करो हमसे, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, सुन रहे हो ना? कुछ कह रही हूँ तुमसे अर्जुन, सुन रहे हो ना? हाँ, अभी तुम्हें मेरे हाथ बंधे हुए, मेरा वक्त भी आएगा, और इस रानू नाम की मुसीबत को जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा मैं। पर कैसे? रानू को हराने के लिए उसकी सोच को हराना होगा, तभी हम बाबा के करीब पहुंच पाएंगे। मैं वादा करता हूं मां, मैं बाबा को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। इस रानू ने अब तक सिन्हा परिवार का प्यार देखा है, अब ये नफरत देखेगी। इसके बाप का घड़ा भर चुका है, और अब इसके सर पर ही फूटेगा, मैं पढ़ूंगा। हाँ, उस बुड्ढे को कुछ खिला देना, उसका हमारे मकसद के लिए जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा हुआ उस डॉक्टर के पास चले गए, थोड़ा दर्द कम है, वरना तो हमारी हालत खराब थी। I love you, Pa. I love you too, मेरी राजकुमारी। Thank you. हमें तो कभी हमारे पिता का प्यार ही नहीं मिला, बचपन में ही वो हमें छोड़ के चले गए। हमारे पिता हमसे दूर हुए तो अर्जुन के परिवार की वजह से। सिन्हा परिवार ने हमें हमारे पिता से दूर किया, हमसे हमारा पिता छीना, अब हम सिन्हा परिवार से उसका सब कुछ छीन लेंगे, सब कुछ।
पर ऐसी क्या दुश्मनी थी रानू की जो उसने ये सब कुछ किया? मुझे लगता था कि रानू मुझसे नफरत इसलिए करती है क्योंकि मैंने उसके प्यार को ठुकरा दिया, पर अभी क्या करके उसका सच सामने आ रहा है। बाबा को अगवा करना, उन्हें बंदी बना के रखना, आपके हम सबके जज्बातों के साथ खेलना, हमारा फायदा उठाना। रानू ने कभी भी हमारे प्यार को, हमारी ममता को समझा ही नहीं। इतना प्यार, इतना अपनापन दिया इस परिवार ने उसको, किसी पत्थर दिल इंसान को भी मिलता ना तो वो पिघल जाता। लेकिन रानू ने कभी भी इस घर को अपना समझा ही नहीं, इस घर के बारे में सोचा ही नहीं, सिर्फ अपने पिता के बारे में सोचती थी और अपने पिता की वजह से इस घर को तबाह करने के बारे में। अपने पिता के बारे में क्यों माँ? रानू के पिता मनोहर हमारे यहाँ बहुत सालों से काम करते थे, हमने कभी भी उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार नहीं किया, हमेशा अपने परिवार का हिस्सा समझा मनोहर को। पर 15 साल पहले सिन्हा साहब बाहर आइए, सिन्हा साहब, सिन्हा साहब आइए, बाहर देखिए एक बार, बाहर आइए, आइए। सिन्हा साहब ये चोर है, इसने चोरी किया है ऑफिस में, वीडियो सीसीटीवी में कैद है। अरे ये सब मत करिए, रुकिए, कभी नौकरों जैसा सलूक नहीं किया तुम्हारे साथ, तुम्हें अपने घर परिवार का हिस्सा माना और दिखा दी तुमने हमें अपनी औकात, हमारे घर का नमक खा के हमसे गद्दारी। हमारी तिजोरी से सारा सामान चुरा लिया, ये तो विश्वास ही नहीं हो रहा है मनोहर। फौरन पुलिस बुलाते हैं। नहीं नहीं साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई साहब। तुझे पुलिस नहीं, हम सबक सिखाएंगे, हम, रुक तेरी तो, इसे तो हम सबक सिखाएंगे। रुक जाइए, हम कह रहे हैं रुकिए, हम मानते हैं मनोहर ने गलती की है, लेकिन इंसानियत के नाते इसे छोड़ दीजिए। मनोहर की पत्नी नहीं है, उसके घर में एक छोटी सी बच्ची है जिसे मनोहर पालता है, छोड़ दीजिए, बस जाने दीजिए। इसको ऐसे कैसे छोड़ दें, चोरी की इसने। अरे आप सब लोग शांत हो जाइए, कोई और उपाय सोचते हैं, गुस्से से काम लेने से कुछ नहीं होगा। रुक, तेरा इलाज मैं करता हूं। ये क्या तमाशा लगा रखा है, हम कह रहे छोड़ दीजिए मनोहर को। ये सब मत करिए, ये सब मत करिए। इससे पहले कि हम मनोहर को कुछ समझाते, उसने खुदकुशी कर ली, कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। रानू उस वक्त बहुत छोटी बच्ची थी और हमें ये ठीक नहीं लगा कि हम उसे उसके पिता की करतूत के बारे में बताएं। वैसे भी वो बिन माँ की बच्ची थी, हम नहीं चाहते थे कि उसके दिमाग पर बुरा असर पड़े और ना ही हम ये चाहते थे कि रानू अपने पिता की करतूतों की वजह से लोगों के सामने शर्मिंदा हो। इसीलिए हमने उसको बताया कि उसके पिता की मौत एक एक्सीडेंट में हुई, लेकिन रानू को तो सब पता था, वो जानती थी कि उसके पिता की मौत किन हालातों में हुई है और वो सब के लिए हमें जिम्मेदार मानती रही। हमें भी ये बात कुछ दिन पहले ही पता चली, रानू ने खुद बताया। माँ, हमें रानू के बारे में नहीं, बाबा के बारे में सोचना चाहिए, कैसे ढूंढे उन्हें, कैसे पता लगा है? वो तो ठीक है अर्जुन, लेकिन अगर रानू ने तुम्हारे बाबा को तकलीफ। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रही हैं, यही ना कि हमारी किसी गलती की वजह से रानू बाबा को तकलीफ ना पहुँचाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि रानू के लिए आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, आपके डर की वजह से वो हमारे साथ खेल रही, पर अब वक्त आ गया हम इस डर को अपनी ताकत बनाने का। हाँ माँ, अर्जुन सही कह रहे हैं, मैं जानती हूँ आप नर्वस हैं, लेकिन अब वो मौका आ गया है रानू ने जो कुछ आपके साथ किया उसका बदला लेने का, अभी आपको रानू को दिखाना होगा
कि उसके ब्लैकमेल से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ, रानू ने अब तक आपको प्यादा बना के चाल चली है, अब हमारी बारी है चाल चलने की। हमें डर लग रहा है अर्जुन के, कहीं डर किस बात का? हमने कोई गलती नहीं की। गलती रानू के पिता ने की है, रानू ने की है, बाबा की थोड़ा ना कोई गलती है। और इतना सब होने के बाद आपने तो रानू का साथ दिया ना, उसे पाला पोसा, बड़ा किया, इतना प्यार दिया, उसने क्या किया? बाबा को किडनैप कर लिया और आज बाबा की आवाज सुना के उसी आवाज को लेकर अब हम रानू को डराएंगे। कहना क्या चाहते हो अर्जुन? माँ, जैसा हम कहते हैं आप करेंगी ना? प्लीज, आपको डरने की जरूरत नहीं, डरना रानू को चाहिए। माँ प्लीज हमारा साथ दीजिए। माँ, अपने बेटे पे विश्वास है ना आपको?